हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के शेष पाठों का वाचन। पाठ 23 ठ श ज मात्रा एकी। चित्र देखो। चांद, आंख, जहाज, धनुष, गांठ। पहचानो और बोलो। चा चा आ आ ठ ठ श श ज ज श श ढ ढ ट ट ठ ठ ड ड ढ ढ ळ ळ हां हां मां मां चा चा दा दा गा गा आ आ सा सा। पढ़ो। ठीक, उठना, लाठी, ठेला, पीठ, मेज, जमीन, दरवाजा, हां, मां, हंसना, गेहूं, गांव, मुंह, उषा, धनुष, सुषमा, ठंडा। उषा और संतोष यहां आए थे। इन चित्रों के नाम लिखो। पाठ 24 आंख मिचौनी। रविवार का दिन था। सलमा और रहीम घर में बैठे थे। तभी कमला और मदन उनके घर आए। सलमा और कमला की एक सहेली थी उषा। वह भी अपने भाई मोहन के साथ वहां आई। सभी बैठकर बातें करने लगे। तभी सलमा बोली, चलो अब आंख मिचौनी खेलें। सब बोले, हां हां ठीक है। आंख मिचौनी का खेल होने लगा। सलमा, कमला, उषा, रहीम और मोहन छिप गए। मदन उनको ढूंढने लगा। उसने दरवाजे के पीछे देखा। वहां कोई न था। उसने खाट के नीचे देखा। वहां भी कोई न था। मदन बोला, अरे तुम सब कहां छिपे हो? सब चुप रहे। फिर मदन ने पर्दे के पीछे देखा। रहीम वहीं छिपा था। मदन बोला, ढूंढ लिया ढूंढ लिया। अब रहीम की बारी आई। वह दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। सब फिर से छिप गए। रहीम उनको ढूंढने लगा। इस तरह आंख मिचौनी का खेल देर तक चलता रहा। पाठ 25
दशहरे का मेला। पढ़ो। अण ख त्र ज्ञ श बाण कक्षा मित्र ज्ञान श्री रावण रक्षा चित्र आज्ञा श्रीमान। आज दशहरा है। कई दिनों से रामलीला हो रही है। गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। कमला और मदन माँ और पिताजी के साथ मेला देखने जा रहे हैं। मदन का एक मित्र है ज्ञान। ज्ञान मदन की कक्षा में पढ़ता है। रक्षा उसकी छोटी बहन है। ज्ञान और रक्षा भी मदन के साथ हैं। मेले में पहुंचकर पिताजी बोले, वह देखो रावण का पुतला। रक्षा बोली, अरे इतना बड़ा रावण। मेले में बहुत भीड़ थी। वहां बहुत सी दुकानें लगी थीं। बालक खिलौने खरीद रहे थे। रक्षा ने श्री राम का चित्र खरीदा। चित्र में श्री राम के हाथ में धनुष बाण था। मदन और ज्ञान ने चित्रों वाली किताबें खरीदी। कमला ने चाबी से चलने वाली गाड़ी ली। माँ बोली, देखो राम और रावण की लड़ाई हो रही है। तभी राम ने रावण के पुतले पर बाण चलाया। पुतले में आग लग गई। उसमें से पटाखे छूटने लगे। रावण गिर पड़ा। पिताजी ने मिठाई खरीदी। सबने मिलकर मिठाई खाई। फिर वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। पाठ 26 वर्णमाला। पढ़ो और याद करो। अ अ आ आ इ इ ई ई उ उ उ उ ए ए आई आई ओ ओ औ औ क क ख ख ग ग घ घ ं ं च च छ छ ज ज झ झ य य ट ट ठ ठ ड ड ढ ढ ण ण ळ ळ ळ ढ त त थ थ द द ध ध न न प प फ फ ब ब भ भ म म य य र र ल ल
व व श श श श स स ह ह क्ष क्ष त्र त्र ज्ञ ज्ञ श्र श्र ज ज फ फ पाठ 27 आओ बगीचा लगाएं। पढ़ो। क्या क्या क्यारी च बच्चा बच्चे छ अच्छा गुच्छा न इन्हें उन्हें एक दिन बहन जी ने कहा आओ बच्चों आज हम बगीचा लगाएं। बच्चे बोले हाँ हाँ आज हम सब मिलकर बगीचा लगाएंगे। बच्चों ने खुरपों से मैदान की घास खोदी। मैदान में खूब पानी डाला। जमीन गीली हो गई। बच्चों ने फिर खुरपी से जमीन खोदी। कमला और रक्षा ने एक क्यारी बनाई। सलमा और मनीष ने मिलकर दूसरी क्यारी बनाई। इस तरह कई क्यारियां बन गईं। बच्चों ने क्यारियों में खाद डाली। बहन जी ने उन्हें कुछ बीज दिए। बच्चों ने क्यारियों में बीज बोए, फिर क्यारियों में पानी दिया। कुछ ही दिनों में बीजों में से अंकुर निकल आए। अंकुर धीरे धीरे बड़े होने लगे। बच्चों ने और पानी दिया। पौधे बड़े हो गए। कुछ ही दिनों के बाद पौधों में फूल लगे। फूल बहुत सुंदर थे। वे कई रंगों के थे, लाल, पीले, नीले और गुलाबी। बच्चे बोले आहा, कितने सुंदर फूल हैं। अब क्यारियां कितनी अच्छी लग रही हैं। बहन जी ने कहा हाँ, ये फूल बहुत सुंदर हैं। सभी बच्चे बोले बहन जी, हम इनकी खूब देखभाल करेंगे। पाठ 28 चुनमुन। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता।
माँ चुनमुन को समझाती। तुम अभी बहुत छोटे हो, साथ साथ रहा करो, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुंच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा। पर माँ उसे दिखाई न दी। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की। पर उसकी चोंच छोटी थी, वह चुनमुन के गले से दाना न निकाल सकी। मुर्गी का एक मित्र था बगुला। मुर्गी भागकर बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, से गलती हो गई, मैं आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। पाठ 29, दो बकरियां। पढ़ो। बकरी, बकरियां, पांव, पहुंची, इधर उधर, मैं कहां,
वापस, तंग, चलूं। जंगल में एक नाला था। नाले के पास दो बकरियां रहती थीं, काली और भूरी। नाले के किनारे हरी हरी घास लगी थी। दोनों बकरियां रोज वहां घास चरने जाती थीं। एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी। काली बकरी वहां नहीं आई थी। वह आज दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई थी। भूरी बकरी ने इधर उधर देखा। फिर उसने नाले की दूसरी तरफ देखा। बकरी ने सोचा, उस किनारे की घास का रंग कितना हरा है। वह घास नरम भी होगी, क्यों ना उस किनारे चलूं। नाला गहरा था। भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी। एक जगह नाले पर पेड़ गिरा पड़ा था। पेड़ से नाले पर पुल सा बन गया था। बकरी उस पुल पर चलकर नाला पार करने लगी। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची, उसे सुनाई दिया। बकरी ने सिर ऊपर उठाया। अरे, वह बकरी तो इधर ही आ रही है। भूरी बकरी ने पूछा, बहन तुम कहां से आ रही हो। काली बकरी ने कहा, मैं उस किनारे गई थी, अब वापस जा रही हूँ। भूरी बकरी बोली, बहन यह पुल बहुत तंग है। इस पुल से तो हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती। अब क्या करें। काली बकरी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। भूरी बकरी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। भूरी बकरी पुल पर बैठ गई। काली बकरी ने धीरे धीरे पांव उठाए। उसने अपने पांव भूरी बकरी पर रखे। फिर वह दूसरी तरफ कूद गई। भूरी बकरी उठ खड़ी हुई। वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। मैं दोनों बहुत खुश थीं।